अब बारी है खोलने की, तो भाई दिल थाम के बैठे रहना, जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ शायद ही आप लोग देखे होंगे। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्यों, क्या हुई? क्योंकि इस दिन का मैं बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था। अच्छा, आज मैं जाऊंगा, वो सरप्राइज ही आप लोग रहने दीजिए। पतली गली से निकल 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 निकल, क्योंकि भाई वहाँ जाने पे बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो सरप्राइज आप लोग जाएंगे, वो मैं जाऊंगा तो आप लोग देख लेंगे। सॉरी। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मैं सुबह उठा हूँ, फोन आया है कि बाबू आ जाओ, आज का दिन बहुत अच्छा है। हेलो बाबू, आप हमेशा मेरे को गलत क्यों सोचती हो? हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो क्लियर कर दूंगा ना, कट टू कट, डेट सेट यार। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाते हैं, तो वहाँ चल के ही पता चलेगा। अभी तो बज रहे हैं 2:30, हमको जाना है 5 बजे, तो अभी खाना खा लेते हैं क्योंकि भाई भूख बहुत तेज लगा है। सुबह मैं शायद बहुत ही लेट उठ रहा हूँ क्योंकि आज 11 बजे सो के उठा हूँ, क्योंकि रात में 2-3 बज जाते हैं एडिटिंग कंप्लीट करने में, उसके बाद सुबह वीडियो अपलोड करने में। तो भाई ऐसे ही चल रहा है जर्नी मेरा। तो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी खा पी के रेडी हो गया और खाना बहुत ही अच्छा था, दाल भात चटनी और सब्जी बना था जो कि प्याज के साथ खाने में मज़ा आ गया। सब सारी बातें छोड़ो भाई, सबसे पहले चलते हैं अपने खास दोस्त से मिलते हैं, साहिल वर्मा से, उसके बाद देखते हैं शाम को कौन मेरे साथ जाता है। तो चलो चलते हैं भाई। अपने दोस्त से मिल चुका साहिल वर्मा से, तो मेरे साथ हुआ, हे प्रभु हे जगन्नाथ हे नारायण हे वासुदेवाय, ये क्या हुआ? तो भाई प्लान कैंसिल हो गया जहाँ हम लोग जाने वाले थे। क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं नहर पे, मैं और लक्की, और वहाँ पर एक सरप्राइज है। मतलब हम लोग जो लेकर जा रहे हैं वो इसमें है, पैक है। तो चलो वहीं चल के अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब अनपैकिंग, मतलब पन्नी का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो वहाँ जाएंगे, खाएंगे। तो भाई पहुँच चुके हैं नहर पे, वो रहा मंजिल, और वहाँ पर बैठ कर हम लोग अनपॉलथिंग करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अनबॉक्सिंग करेंगे पॉलथिन का, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो चलो वहीं चल के खाते हैं। भाई आज शाम के बज रहे हैं 5 और धूप भी काफ़ी कम है, ठंडा मौसम है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर बैठने के लिए ठंडे मौसम में। तो भाई अभी नहर पे पहुँच चुके हैं और वो वाली वाइब नहीं आ रही है जो हम लोग को आना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरे स्थान पे जाकर अपना मनोरंजन किया जाए। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ दिख रहा नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पूल पर चलते हैं, जो कि हम लोग पहले सबसे पहले वहाँ पर, जब यहाँ पर खेत में हम लोग आते थे झाड़ा ओड़ा फिरने के लिए, तब वहाँ पर बैठते थे। मतलब 6-7 महीना बाद उस पूल पे मैं जा रहा हूँ। तो चलो वहीं चलते हैं और वहीं पर खाते हैं। तो भाई इस पूल पे आ गए हैं, लेकिन 2-3 लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। हम लोग अब चलेंगे पिंटू के बगीचा में। वहाँ पर काफ़ी लोग थे, इसलिए वहाँ से हटना पड़ा। वहाँ पर ब्लॉग शूट करना, मतलब समझ लो एक तरह का अपना मजाक उड़ाना, तो भाई उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे इमोशनल, मेरे सपनों के साथ कोई खेले, अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग पिंटू भैया के बगीचा में आ गए, वहाँ पर हम लोग मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि चारों तरफ खेत है और बगीचा है, ठंडी ठंडी हवा और मनोरंजन प्लस। तो देख लो आप लोग, देखो भाई ये है, ये पिंटू भैया का बगीचा। तो अभी हम लोग यहाँ तो खाएंगे नहीं, सोच रहे हैं इस पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे बैठ के खाएं, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा नहीं है। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे, देखेंगे। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ साफ जगह है, लेकिन वहाँ यहाँ वो वाली मज़ा नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं इस वाले पेड़ पे बैठ के खाएं, मैं तो इस पे बैठ जाऊंगा, लक्की कहाँ बैठेगा नीचे, ये तो चींटी का माटा है भाई, चींटी ने पूरा गुफा कर दिया, इसके अंदर पूरा चींटी ही चींटी है। लक्की कहाँ खाया जाए? हाँ अरे साफ जगह कौन, चारों तरफ बैठने वाला है भाई, बैठ जाओ। किस पे? किस पे? इस पे, इस पे? तो आओ भाई, यहाँ कुछ ऐसा है, ये सारे पत्ते तोड़ो, यहाँ बिछाओ, यहाँ बैठा जाएगा, हम लोग हाँ बैठ के खाया जाएगा। हाँ भाई हमें जगह मिल गई है बैठकर खाने के लिए,
तो वो जगह है अमरूद का पेड़ जो कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठ के खाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा भी चल रहा है, ठंडा मौसम भी है और भगवान की लीला तो आप लोग जान ही रहे हैं, उनको ना बरसात कराना है, केवल गर्मी से हम लोग को जुझाना है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर बैठ कर, और जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो भाई यही है वो पेड़, इस पे मैं बैठ जाऊँगा और लक्की यहाँ बैठ जाएगा, और ये भटवासी का पत्ता है, इस पे चींटी बहुत रहती है भाई, लेकिन कोई नहीं, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अमरूज का पेड़ है, अभी तो अमरूज फड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ रखवाली करने के लिए उनके भाई भी नहीं है। अगर भाई अमरूज फड़ा होता तो अब तक तो हम लोग ताड़ के भगा दिए होते, अब तक बहुत मार खाते हम लोग अगर बगीचा में आ गए होते, क्योंकि अमरूज यहाँ मतलब अमरूज का इतना ज़्यादा पेड़ है कि यहाँ सेल होता है अमरूद। तो अभी तो गनीमत है कि छोटे छोटे अमरूद थे वो लोग आए नहीं है, तो हम लोग यहाँ बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है, चारों तरफ खुला एकदम खुला मैदान है, चारों तरफ से हवा आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये रहा खुला मैदान, और ये रहा लक्की, और ये रहा मैं जा रहा हूँ, कभी से बकवास कर रहा हूँ, अब बारी है खोलने की, तो भाई दिल थाम के बैठे रहना, जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ शायद ही आप लोग देखे होंगे। तो भाई वो चीज़ रहा ये जामुन, मैं मजाक कर रहा था भाई, सब लोग देखे हैं, सब लोग खाए हैं, मैं मजाक कर रहा था कि आप लोग का एक्साइटमेंट बढ़े कि क्या भाई क्या दिखाने वाला है, तो भाई इसके लिए सॉरी। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये है जामुन, और मैं और लक्की इसे खाएंगे, फिर उसके बाद कुछ कारनामा करेंगे खाने के बाद। क्यों क्या हुई भैया, दतवा देखिए। अभी कहाँ कुछ होगा, जीभ देखो मेरा, हमारा भी हो गया होगा भाई। अभी बचे हैं तीन, और दो मैं खाऊंगा और एक लकी खाएगा भाई, अभी दो बचे हुए हैं। छोड़े बहन का लोड़ा है भाई, देखो इसने दो मार लिया यार, गद्दारी करते तोरी बहन के चोदम। ये तो ये भी गया, नीचे गिर गया भाई, मेरे नसीब में तो था ही नहीं। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर आया और जामुन वगैरह खा लिया, बहुत ही अच्छा था जामुन, आजकल के जामुन तो मीठे ही आ रहे हैं, क्योंकि भाई जामुन का सीजन ख़त्म भी होने वाला है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि आज ठंड का मौसम भी था, हमने सोचा चलें थोड़ा सा नहर पे घूम लें और वीडियो भी कुछ आज बना लें, आप लोग को दिखा दें कि हाँ भाई ये एरिया है, इस जगह मैं आता हूँ अक्सर घूमने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे ऑडियंस हैं, मेरे भाई हैं। तो चलो चलते हैं घर भाई, आई होप ये वीडियो आज का पसंद आया हो, आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक मारो यार, क्योंकि लाइक के बिना मेरा चैनल थोड़ा सा डीप में चल रहा है, आप लोग लाइक मारेंगे तो यूट्यूब रिकमेंड करेगा ज़्यादा लोगों के पास, तो प्लीज़ लाइक मारो यार। कल देखते हैं कल के न्यू फ्यूचर डायरी में क्या होता है, कल उठेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।